जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। तो जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर हम एक डिस्कशन जिसके अंदर हमने पूरे फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और रागा पोर्शन जो हमारा वाई ग्रुप का है उसका कंप्लीट डिस्कशन का हमने वादा किया था कि हम सभी जो है सब्जेक्ट का इंडिविजुअल वीडियो लाएंगे यहाँ पे यूट्यूब पे, आपको कंप्लीट जो है डाउट्स आप लोगों के वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये जो वीडियो है आप लोगों का फिजिक्स का जो कि डिमांडिंग वीडियो था वो मैंने फर्स्ट में उठाया यहाँ पे, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट जितना भी है आप लोगों के डाउट्स वो मेरे अकॉर्डिंग पूरे कवर करके, मेहनत पूरी करके मैं जो है इस वीडियो में मतलब पूरा आप लोगों का डिस्कशन करूंगा, पूरे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट में करेंगे, वो तो एक बेसिक सा फंडा ही है। इसके अलावा देखो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मतलब फिजिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में, ये भी ऑलरेडी मेहनत के साथ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे मैं सब चीज़ें लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक इतनी सी थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस यूज किया कीजिए कि आप लोग जो है जो भी वीडियो आप लोगों के लिए आता है अब वो ऐसा नहीं है कि भाई यूं मुंह उठा के आ जाता है फालतू के अंदर बस की, ठीक है। तो ये एकदम ऑथेंटिक आपको लगेगा कि हाँ भाई एकदम मतलब मज़ेदार चीज़ है, मतलब क्योंकि देखो इसमें कोई इतना रटी रटाई चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो एक्चुअली मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैंने भी तो एग्ज़ाम दिया है, एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार एग्ज़ाम दिया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के मामले में। तो मतलब जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, समझा कीजिए, और ऐसा नहीं है कि देखो कि आप किसी का भी कुछ भी सुन रहे हैं और फिर जो है बस हो गए मज़े, बस ये सत्संग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि आपने वीडियो देखा बस खुश हो लिए और मौज हो गई, बस ऐसा नहीं है। आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई भी चीज़ हो, देखो ज्ञान आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप चाहेंगे वहाँ मिल जाएगा, एज ए मैं भी आपको ये ज्ञान मान लीजिए या फिर जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जब तक आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है, फिर आप यूँ इधर उधर पूछते रह जाएंगे कि फिजिक्स कैसे करें, मैथ्स कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। और ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, जो इम्प्लीमेंट करेगा उसके मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आप लोगों के लिए, जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा ना उसके बाद मैं डाल दूंगा, बहुत सारे लड़कों रियल में इसका बेनिफिट उठाएंगे, ये आप लोग देख लेना। बस होता क्या है कि थोड़ा सा हमें डाउट रहता है तो वो अगर हमें कोई आकर ये बता दे कि हाँ यार इतना इस तरीके से आप फिजिक्स थोड़ा सा कवर कर लो तो जो है हमारा काम बन जाता है। तो वही काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग को थोड़ी इधर उधर की कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो वो मेरे ख्याल से इस वीडियो से आप लोगों को कवर हो जाएगी। ये कोई फाइनल वीडियो नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक सीरीज़ है हमारी पूरी जिसके अंदर फिजिक्स मैथ सब कवर करेंगे। तो ये वीडियो मैं जितना मेहनत मतलब जितना हो सकेगा उतना मैं कवर कर रहा हूँ इसके अंदर। फिर भी मान लो कि देखो किसी का नहीं बन पाता कि नहीं यार हमारा तो मामला बैठा नहीं, जो मेरा डाउट था वो तो इस वीडियो के अंदर कवर हुआ नहीं, मेरा तो कुछ अलग ही है, ठीक है, तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट में मतलब अपना डाउट पूछेंगे तो वो मैं अगली वीडियो के अंदर और आगे हम वीडियो बना देंगे उसके हिसाब से वो कवर करेंगे। और जो है अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, वायोदा ग्रुप का भी वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको और डिस्कशन मिल सकता है, PDF वगैरह जो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं वो भी मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये तो बेसिक डिस्कशन था, वो मेरा आपको स्टार्टिंग के अंदर बताना ज़रूरी था क्योंकि एक चीज़ें आपके क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सीधा आके कुछ कुछ बता दिया। तो अब मैं कवर करता हूँ फटाफट, आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोगों को अभी फॉलो करनी है। तो देखो मैंने दो तरीके से किया, एक तो हमारा एक एडवांस स्टूडेंट कौन से जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो है अभी PSL में आउट हो गए थे, इसका मतलब आपको आप एडवांस स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट है। और एक जो है मैंने देखो दूसरा लिया है जो अभी देखो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, उनका भी कमेंट था कि सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं कैसे फिजिक्स वगैरह कवर करूँ, तो ये मैंने बिगनर स्टूडेंट का, तो दोनों को मैंने यहाँ पर कवर किया है। पहले मैं जो है एडवांस वालों को लूँगा क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होना गलत है, मतलब उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप देखो आप लोगों के लिए पॉइंट मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे नोट टू डू लिख रखा है, मैं फटाफट बता देता हूँ क्या चीज़ है। देखो फिजिक्स भाई ध्यान रख लेना आप लोग कि फिजिक्स ऐसा चीज़ है कि केवल वीडियो देखने से कवर नहीं होने वाला है, ये आप लोग दिमाग से अभी भी निकाल देंगे तो आप लोगों के फ़ायदा रहेगा, चाहे आप एक नंबर से कम रहे हो चाहे दो नंबर से, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो एडवांस स्टूडेंट वालों को एक स्मार्ट वर्क करने की मेरे दोस्तों ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क कैसे कि जैसे आप लोगों को अभी आप लोगों को देखना है कि जैसे मैंने पहले दो एग्ज़ाम दिए तो आप लोगों को ये देखना है कि पहले दो एग्ज़ाम में मेरा फिजिक्स का स्कोर कैसा था। अब ऐसा नहीं कि आप अब पूरा जो है बेसिक से पढ़ेंगे फिर नोट्स बनाएंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास और वो हो भी नहीं पाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी दो या फिर एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो फिर क्या है कि हमारे अंदर थोड़ा सा ऐसे आ जाता है कि नहीं यार ये तो मुझे आता है, ये नहीं आता, ये आता है, तो वो उसके अंदर फंस जाते हैं। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क। एडवांस स्टूडेंट वालों को जो भी एक दो नंबर से रहे हैं उनको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, जो भी आप बेसिक हैं।
दूसरा देखो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं उन्हीं को रिवीजन करना आप लोगों को। अब कुछ लोग जो है फंस जाएंगे कि आप लोगों कुछ स्पेसिफिक करना होता है कि मतलब हम अलग कोई बैच ले लें, अलग कुछ पढ़ लें। जैसे आप लोग पूछते हो कि भाई फिजिक्स का कुछ बताइए हमें, तो स्पेशल कुछ भी नहीं है। आप लोगों को केवल ये देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए थे पिछली बार। आप लोगों को ये टारगेट बना के रखना है, जैसे 7 कट ऑफ है तो आप मिनिमम 10 मार्क्स का टारगेट बना के रखें कि हम जो है 10 मार्क्स लेकर इसको निकालेंगे। बस केवल मात्र हम जो मैथ्स और इंग्लिश में स्कोर उठाएंगे, ये थोड़ा सा एक बेसिक जो है कॉमन सेंस होनी चाहिए वो वाली चीज़ है। तो आप लोग जो है पढ़ने में क्या करेंगे, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें आपने बोले नोट्स बना रखी हैं, नहीं बना रखे तो टेलीग्राम पर मैंने सेंड कर रखे हैं, वहाँ से आप कर सकते हो शॉर्ट नोट्स। तो जो है बेसिक जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको जो है ज़्यादा महत्व देना है, मतलब उनको रिवीजन करना है एक दो बार। आपने एक दो बार कर लेंगे रिवीजन तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, ऑलरेडी आपने कर रखा होगा। मतलब अभी के टाइम क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो डेली रिवीजन वाला फंडा आप लोगों को अपनाना है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि आप लोगों को जो है सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा डिपेंड रहना है। जैसे अभी मैंने बताया ना टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि आर एस सर ने आज टॉपिक करवाया तो बस उसी के ऊपर डिपेंड हो गए। जैसे मैंने डिपेंडेंसी ऑन टीचर बताया ना, वो नहीं करना एडवांस वाले स्टूडेंट्स को। आप लोगों को टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। जैसे कि आप लोगों ने एक चैप्टर उठाया कि आज जो है यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट करना है। यूनिट एंड डायमेंशन कैसे कंप्लीट करोगे, पहले उसके एक बार कॉन्सेप्ट देख लिए कि भाई ये होता है इस तरीके से पूरा होता है, इसका डायमेंशन ये होता है, इसका यूनिट ये होता है, ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो जो डेली रिवीजन वाला फंडा है, रिवीजन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो है नोट्स के अंदर फंस जाते हैं, नोट्स केवल हो गया रिवीजन, हमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो फिजिक्स जो है आप लोगों की दो चीज़ें में डिपेंड रहती है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट प्लस आप लोगों का जो है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो दोनों चीज़ें आपकी क्वेश्चन से ही कवर होंगी। कॉन्सेप्ट तो आपका नॉर्मल एक बार आपने नोट्स पढ़ लिए तो हो जाएगा, बट जो है न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ये गलतियाँ आप लोग आई थिंक कर रहे होंगे, मुझे इसका कम आइडिया है, तो आप कमेंट में बताएंगे तभी आइडिया पता चलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि आपको टारगेट जैसे मान लो कि अभी 30 दिन है तो 30 दिन के अंदर 30 टॉपिक का आप लोग आराम से 25 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। 5 दिन आपके फिर भी बच जाएंगे जो आप लोगों को आगे काम आएंगे। आपका जो वीक टॉपिक है, जैसे आप लोग मान लो कि थर्मोडायनेमिक्स वीक है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है या फिर मैग्नेट वाला चैप्टर वीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीक आपका टॉपिक है उसको कवर कीजिए। कैसे कवर करोगे, जैसे मान लो कि आपने आर एस सर के 3 वीडियो हैं मैग्नेट के ऊपर, तीनों वीडियो देखी, तीनों वीडियो देख के आराम से आपने जो आर एस सर की मैंने पीडीएफ सेंड कर रखी है उससे आप क्वेश्चन लगा सकते हो, या फिर आपने पेड बेस, तो मैं मानता हूँ कि 90% बंदों ने जो है पेड बेस ले रखा होगा, तो 90% बंदे जो है उसी के हिसाब से आप अपना पेड बेस से प्रैक्टिस कर सकते हो। केवल मात्र इतना करना है कि पेड बेस से क्वेश्चन रटना नहीं है। बहुत सारे बंदे करते क्या है कि जो भी पेड बेस में दे रखा आप लोगों को उसको बस रटने का प्रयास करते हैं कि बस जब भी, तभी मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट हाईलाइट किया है कि डिपेंडेंसी ऑन टीचर। आप लोग करते क्या हो कि जैसे मान लो कि आर एस सर का बेस ले लिया तो आर एस सर का बस कि हाँ बस आर एस सर जो करवाएंगे जितने क्वेश्चन करवाएंगे वो मैं कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये डिपेंडेंसी ऑन टीचर होगी। नहीं भाई, आप लोगों को वो एक गाइडेंस है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और इस तरीके से इनको करना है। फिर उल्टा जब आप एग्जाम देने जाते हो वहाँ क्या करते हो, एग्जाम पेपर खुलते ही कि आप लोग ढूंढते हो कि आर एस सर ने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए, तो आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आप बोलोगे कि आर एस सर का पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आता, उसका कोई मतलब नहीं है। आर एस सर को चाहे किसी भी टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने क्वेश्चन आए कितने क्वेश्चन नहीं आए। आप लोगों को अपना काम निकालना है कि आपके 10 मार्क्स कैसे आए, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। मैक्सिमम अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है तो आप जो है 15 तो कम से कम लाएँ, क्योंकि जितना आपका अच्छा खासा स्कोर होगा आपको लास्ट में कट ऑफ की वीडियो देखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या क्या मैंने चीज़ अभी कवर कर दी आप लोगों के लिए। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं करना। डेली रिवीजन के अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट को 10 मिनट आपने एक चैप्टर के 10 मिनट देकर आप जो है मैक्सिमम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ना कि आप लोग जो है बस कॉन्सेप्ट खोल के बैठे हुए नोट्स वगैरह और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, वो करना है। टारगेट बेस्ड स्टडी ये एडवांस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आप लोगों के लिए वो टाइम टेबल नहीं बैठ पाएगा कि यार कितना कवर कर लिया मैंने, कितना मेरे को करना है कितना नहीं करना। आपका वीक टॉपिक आपको कवर करना है, जो भी आपको लगे कि हाँ यार ये थोड़ा सा मेरा वीक है तो उसको आप फटाक से एक दिन के अंदर कंप्लीट करके साइड में हटाइए। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। आप जो लोग ये ना करें कि भाई मैं ये देख लूँ वो देख लूँ इधर इसका भी देख लूँ उसका भी देख लूँ, ऐसा नहीं है। जितना भी आपके पास मटेरियल है, मैं तो ये कहूँगा ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे बंदों ने, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2022 का फर्स्ट इनटेक, जिसके अंदर जो मतलब पहले 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहा था उन बंदों ने ऐसे किया था कि जो उनके पास पहले मटेरियल था उसी को पढ़ा था और उसी के बाद उन्होंने फिर से सिलेक्शन लिया था। तो ये एग्जांपल है, पहले भी हुए हैं और अभी इस बार भी आप लोग ऐसे ही करोगे क्लियर। और डिपेंडेंसी ऑन टीचर मैंने बता दिया कि आप लोग जो है ज़्यादा टीचर पर डिपेंड नहीं होना, बस एक बार आपने क्लास देख ली खत्म, बस और कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो थोड़ा सा मैंने और नोट टू डू में लिख रखा है। देखो कि ओनली यूट्यूब वीडियो और इनको नहीं देखना आप लोग। कुछ लोग क्यों है केवल वीडियो के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हाँ बस वीडियो देख लिया बस हो गया मेरा काम। आपको प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को। अभी जो है लास्ट के टाइम में क्या होगा कि मैराथन वगैरह आएंगी तो आप लोग क्या सोचोगे यार 8 नंबर तो मेरे बन रहे हैं, अगर मैं मैराथन देख लूंगा तो मेरे जो है अच्छे 10 नंबर आके मैं निकाल लूंगा। बट ऐसा नहीं होता भाई, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो फिर ये चीजें मैराथन आप लोगों को मेरे को लगता है डिमोटिवेट ही ज्यादा करेगी और याद भी कुछ नहीं रहता, उल्टा प्रेशर आएगा। जितने आप चीजें आपको याद रहेंगी जो बेसिक सोल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो ये गलती ना करना आप लोग। वन शॉट के पीछे मत भागना कि जैसे आप लोग सोचो कि भाई ये वीडियो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का देख लिया बस इससे हो गया और कुछ नहीं करना। आप जब तक नोट्स वगैरह आपने जो बना रखे हैं, जो आपके पास मटेरियल है ऑलरेडी पहले का, चाहे पेड बैच हो चाहे आप जो है वो जो मैंने PDF सेंड करी उससे कर रहे हो, उसको सोल्व नहीं करोगे तब तक काम नहीं बढ़ने वाला भाई। ये थोड़ी सी सच्चाई है मतलब, ठीक है। न्यू मटेरियल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि न्यू मटेरियल के पीछे नहीं भागना कि आपने इधर उधर से PDF डाउनलोड कर ली उसको कर लिया उसको कर लिया, नहीं करना आप लोगों को। एक जो है आप लोगों का मतलब जो मैं टेलीग्राम पर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो PDF मैंने शॉर्ट नोट्स वाली और जो है क्वेश्चन वाली RSR वाली वो मैंने सेंड कर रखी है, तो वो उन्हीं लोगों को देखनी है जिनके पास मटेरियल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास पेड बैच भी है, आपने नोट्स भी बना रखे हैं, फिर भी आप इधर PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ने लगे, वो कहीं ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। आपके पास मान लो कि आपने नोट्स ही नहीं बनाए तो आपके पास अल्टीमेट वो ऑप्शन है कि चलो आपने एक बार PDF देख ली तो चलो ज़्यादा फायदा होगा नोट्स ही नहीं बनाए तो मैक्सिमम क्या है कि जितना मटेरियल आपके पास है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। मतलब समझ गया आप मेरी बात, समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट में बता देना कि ये चीज़ मेरी कवर नहीं हुई, ये चीज़ मेरी कवर होगी। अब मैं बिगनर वालों को भी जो चीज़ बता रहा हूँ, एडवांस वालों मतलब बिगनर वालों ने एडवांस वालों की भी चीज़ सुनी होगी जो भी चीज़ें हैं, तो उसको भी उनको भी समझ आ गया होगा क्या क्या करना है। अब एडवांस वाले बिगनर वालों की भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुनेंगे तभी जो है आप लोगों को मतलब कंप्लीट डेटा समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने सब कवर कर दिया एडवांस वालों का। अब रहता है तो आप कमेंट में पूछेंगे, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन कर लेना आप लोग। अब आप लोगों का भाई बिगनर वाला आ जाता है। बिगनर वाले कौन से हैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर पहले आप लोगों ने बस ऐसे मजे में एग्जाम दिया था, आपने अभी सिलेबस कंप्लीट किया है और जो है अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो सबसे पहले तो डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप लोग मस्त हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे मेन था आप लोगों का कि सिलेबस आपने कवर कर लेना है यूट्यूब से या फिर पेड कोर्स से। पेड कोर्स मैंने अभी बताया है 90% लोगों के पास पेड कोर्स होगा तो वहीं से आप लोगों को कवर करना है। आप जिस भी तरीके से कवर करें बिल्कुल तसली के साथ करें, ना कि इधर भागने की जरूरत है कि नहीं बस हाँ मैं फास्ट करूँ, ठीक है। बिल्कुल तसली के साथ कोर्स करना है, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि क्वेश्चन के भी नोट्स बनाएं, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है जो भी RSR का मैंने बताया था और फिजिक्स का भी बताया था जिसके अंदर मैंने बता रखा है फिजिक्स के क्वेश्चन के भी नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका माइंड है, उसी के हिसाब से आप अपना कवर कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है आपका प्रैक्टिस। तो सिलेबस कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिस मैंने देखो भाई आप चैप्टर कितना भी पढ़ लीजिए जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो वो नहीं होने वाला। क्वेश्चन कितने लगाओगे, एक चैप्टर के मिनिमम 50 क्वेश्चन तो RSR करवा देते होंगे। RSR देख लो चाहिए आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो मैं RSR से पढ़ता था और मेरे को RSR ठीक लगते हैं, तब मैं मेरे ज़्यादा मुँह से आप RSR सुनते हो, ठीक है। तो RSR से आप जितने पढ़ रहे होंगे मिनिमम 50-60 क्वेश्चन आप लगा लेंगे एक टॉपिक के, तो आई थिंक वो सफिशियंट है मतलब, ठीक है। उसके अलावा आप लोग चाहें तो आप जिधर से भी आपको जो भी PDF मिलती है तो आप एक बार उसको लगा के देख सकते हैं कि हाँ काम की है या नहीं है। फिर जो है देखो मेन चीज़ें आ जाती हैं आप लोगों को कि जैसे मटेरियल की मैं बात करूँ तो मटेरियल मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने चैनल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के नाम से संदीप ऐप, उस पर PDF वगैरह सेंड कर रखी है, वो आपके लिए एडिशनल है कि आप कर सकते हैं वहाँ से। अब जो है आप लोग ऐसा नहीं करें कि भाई आप लोगों ने अभी कर लिया एग्जाम तो वही आप लोगों के लिए डिपेंड करता आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को मैराथन वगैरह उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना। जो भी आपने पेड कोर्स ले रखा है उसको मिनिमम 2 से 3 बार करना है। अभी जैसे मान लो कि अभी आपका चला, आप लोगों को ये लगता है कि मैं फ्री हूँ अभी, मेरे पास टाइम बच रहा है, तो आप लोग जो है पुरानी वीडियो को कवर करें फिर से रिवीजन के अंदर। अब आप PDF वगैरह से करेंगे वो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों की RSR का जो क्लास होती है उसकी PDF भी आ जाती है और उसकी क्लास भी आ जाती है, तो PDF आपने खोली अपनी उसको प्रैक्टिस किया, दूसरी PDF खोली। देखो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि हम जो है 11th 12th तक हम जो है केवल ऑफलाइन पढ़ते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ PDF वाला फंडा नहीं होता, तो हमें ऐसा लगता है कि यार PDF से प्रैक्टिस करने में काय का सिलेक्शन होगा, तो वो थोड़ा सा गलत है क्योंकि अभी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों को जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपने मिनिमम 90% लोग पेड कोर्स से पढ़ते हैं, तो आप लोगों को जितना भी कोर्स है उसको मिनिमम 3 बार करना है। अब आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो मैंने एडवांस वालों को बताया ऐसा कुछ भी नहीं करना,
सिंपल फंडा है, एक ही चीज़ है कि आप लोगों को जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, और प्रैक्टिस के अंदर आपको जो भी आपने पेड कोर्स ले रखा है उसको मिनिमम 2 से 3 बार, मिनिमम 2 बार या फिर 3 बार तो करना ही है। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का 10 मार्क्स का तो कोई रोक नहीं सकता, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना चाहते हैं। अब 3 बार मैंने बता दिया इसके अंदर, ये प्लीज़ आप ये गलती ना कीजिएगा कि आप लोग जो है क्वेश्चंस रटने लग जाओ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि मैं अभी देख पा रहा हूँ एयरफोर्स के एग्जाम में, तो स्पेशली है, मैंने अभी भी बताया हुआ है कि आप लोग चाहें तो देखो जो एररलेस नाम से आता है वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने PDF सेंड करके जो कि मैंने अभी आप लोगों को ये चैनल बताया आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी सेंड करके यहाँ से भी आप प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप लोगों को चैलेंज देना है खुद को, ऐसा नहीं कि आपने एक बार RSR के 2 बार कर लिया तो बस उनको रट गए। हाँ, एक बार वो रट गया, बस कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर एक बार रिवीजन में लेना है, ठीक है भाई। तो उनको रटना से क्या होगा कि आप लोगों को ये भी लगेगा मुझे आता भी है बट आएगा भी नहीं आप लोगों को, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सबसे मेन जो चीज़ है आप लोगों के लिए वो यही है कि स्पेशल कुछ भी नहीं करना, ओनली बेसिक पर रहना, बेसिक पर डिपेंड रहना। बेसिक जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सिलेबस कंप्लीट आपका अच्छे से होना चाहिए, नोट्स जो मेन है, जो बिगनर हैं जो भी इसी साल आपने अगर मान लो कि 12th किया है, मेरे दोस्तों आप लोगों को नोट्स बनाने हैं अच्छे से। आप जो भी पेड आपने कोर्स लिया है, जिस भी टीचर का लिया है, अच्छे से नोट्स बनाएं, बिल्कुल सिंपल सा है। अभी क्या है कि ऑनलाइन इतना फंडा आ गया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ये कर लिया था वो कर लिया था, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा डिमोटिवेट ना हो, ना ही कट ऑफ की तरफ आप ध्यान दें, बिल्कुल एकदम मोटिवेशन के साथ में अच्छे से नोट्स वगैरह बनाएं अपना, और जितना आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है उससे प्रैक्टिस करें। मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस करनी है, जितना फ्री टाइम रहता है उसको बार बार रिविजन करना है, रटने को थोड़ा सा साइड में रख के आपको चैलेंजिंग थोड़ा सा पार्ट देखना है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा बेसिक फंडा हो गया। इसके अलावा भी आपको बिगनर वालों को कोई डाउट रहता है आप कमेंट में पूछेंगे, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर पूछेंगे, जो कि आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना आप। PDF वगैरह के लिए मैं बार बार बता दूंगा, अब ज़्यादा क्या बोलूं, कि आप लोगों को ये चैनल ज्वाइन कर लेना है, और मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर भी बता दूंगा। अब लास्ट एंड फाइनल आ जाता है आप लोगों का मॉक टेस्ट वाला, जो कि आपको बिगनर और दोनों के लिए होता है। देखो भाई, मॉक टेस्ट जो है आप लोगों का, कोशिश करें कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करें। ऑफलाइन कैसे, कि जैसे आपको मतलब आप लोगों की फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स की मैंने PDF सेंड करके तो उसको प्रिंट करवा लो, फिर उसको ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। अब आप मॉक टेस्ट जैसे आप जिस भी प्लेटफॉर्म से लगाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मैं एक वीडियो बना रखा हूँ आप लोगों के लिए और बना दूंगा, अभी ये हमारी सीरीज है इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एडवांस वालों का भी ये होगा कि मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मेरे भाई, मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना। आप ये देख लो कि आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लोगे, बस इतना आपने देख लिया, कोई नहीं है आपको वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, यूँ फटाफट निकल जाते हैं। तो आप कितना भी यहाँ पर प्रैक्टिस करके चले जाओ, मॉक टेस्ट से फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। दिक्कत ये होगी क्योंकि यहाँ पर लेवल तो है नहीं, आप लोग डिमोटिवेटी होगी, उतना कोई फायदा नहीं। तो आप लोग जो है जितना आपके पास मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन करो। टाइम मैनेजमेंट जरूर देख लेना आप लोग की मॉक टेस्ट लगा के, उसका स्कोर ना देखें आप, स्कोर को साइड में रखें, बस केवल ये देख लें कि 20 मिनट के अंदर मैं 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। इतना आपने कर लिया, मिनिमम 5 से 6 मॉक एक बार लगा के देख लेना एग्जाम से पहले, सफिशियंट है। और मैं मॉक टेस्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा सा 17-18 मिनट का हो गया आई थिंक, आप लोगों की सभी चीज़ें मैंने जितना बोलना था देखो भाई मैं सब बोल चुका हूँ। और इसके अलावा देखो और भी कोई डाउट रहता है आप लोगों का तो वो सीधी सिंपल सी चीज़ें कमेंट में पूछेंगे आप लोग। और आप लोगों को ज़्यादा कुछ बात करनी है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वायो द ग्रुप है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, मेरी ID मेंशन करके ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हो कोई भी और स्पेसिफिक आपका हो तो। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा भाई, कितने भी आपके डाउट हो सोल्व एक ही चीज़ से होंगे, वो है आपका वर्क। तो आप लोग जो है एक बार किसी भी टीचर से आपको अच्छा लगता हो उसी के ऊपर डिपेंड रहना है, डिपेंड इन द सेंस कि भाई उसके ऊपर विश्वास रखना। ऐसा नहीं कि आप जो है गाली भी दे रहे हो फिर भी पढ़ रहे हो, तो वो कहीं काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपका माइंड उधर काम नहीं करेगा। अगर आप किसी भी टीचर से प्रॉब्लम है तो उसको हटाओ, फ्यूचर आप लोगों का है, टाइम आप लोगों, ऐसा नहीं कि आप पढ़ भी रहे हो गाली भी दे रहे हो, दोनों चीज़ें नहीं चलने वाली। अब अगर आपको किसी भी टीचर से प्रॉब्लम है तो हटाओ, दूसरे टीचर को चूज़ करो, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सा फंडा है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जिस भी टीचर से प्रॉब्लम है तो हटाओ, दूसरा टीचर चूज़ करो आप लोग। अब ऐसा नहीं कि आप फालतू की परेशानी में है, मतलब ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।